मुझे हो तो नथुलाल जैसी वरना ना हो हा डायलॉग तुम्हाला नक्की आठवला असेल। मिशीला पीळ देत मर्दानगी जाहीर करणाऱ्यांचीही आपल्याकडे काही कमी नाही। याच मिशीवरून नागपुरात एक वाद चांगलाच रंगलाय। नक्की काय आहे हा प्रकार तुम्हीच पहा। नागपुरात मिशीचं महाभारत। न विचारता मिशी कापल्यानं वाद। ग्राहक सलून मालकात वाद पेटला। मिशी कापल्यानं सलून चालकावर गुन्हा दाखल। नागपूर मधील कन्हार येथील फ्रेंड जेंट्स पार्लर ची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे। त्यामागचं कारणही खास आहे, कारण याच पार्लरच्या मालकावर मिशी कापण्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल झालाय। हे ऐकून तुम्हालाही आश्चर्य वाटलं असेल ना, पण हे खरं आहे। आता ही दोन दृश्य बघा। एकात तुम्हाला दिसतायत पिळदार मिशी असणारे किरण ठाकूर आणि दुसऱ्या दृश्यात मिशी कापलेले किरण ठाकूर। किरण यांनी आपली मिशी प्राणपणानं जपलेली होती। अगदी रोज मिशीला ते तेलपाणी करायचे, मिशीला आकार द्यायचे। मात्र 2 दिवसापूर्वी कनानच्या फ्रेंड्स जेंट्स पार्लर मध्ये ते गेले, तिथं त्यांच्या मिशीवर संक्रांत आली। कारागिरानं त्यांना न विचारताच मिशीवरून वस्तारा फिरवला आणि मग काय, मग सुरू झालं ते मिशीवरून महाभारत। संतापलेल्या किरण ठाकूर यांनी थेट पोलीस ठाणा गाठून सलून चालका विरोधातच तक्रार दाखल केली। सेविंग करने के लिए निकला तो फ्रेंड जेंट्स पार्लर सुनील लक्ष्मी इनका ये मालिक है, तो इन्होंने उनको लड़के थे इनको बोला मैं सेविंग और कटिंग करना है, तो कटिंग करवाए और सेविंग के समय मैं थोड़ी आँख ऐसी बंद कर दिए सेविंग करते समय, तो मेरे को हल्का सा ऐसा आवाज़ आया, हल्का सा ऐसा एहसास हुआ क्या इसने वस्त्र मेरे मुँह के ऊपर में घुमा दिया है। तो मैंने उसको पूछा भैया मेरी मुँह जो कटी है ये क्यों काटे, मैंने तो तेरे को 3 बार बताया था कि मेरी मुँह लंबी होना और जितनी जाड़ी है उतनी रहने को ना। बोला ठाकुर लोगों की शान है मेरी मुँह, आज तुमने बोला ये ठाकुर लोगों को क्या किया तुमने, तो फिर उन्होंने बोले अभी कट गई है वापस तो नहीं आएंगे। तो मैं बोला ऐसा कैसी कटी, तुम पेमेंट बराबर लेते हो, 40 रुपये सेविंग के लेते हो, 60 रुपये तुम कटिंग के लेते हो, 100 रुपये लेते हो, तो ऐसे अनट्रेंड मिस्त्री क्यों रखते हो। तो मैंने उनको ये बोला, तो बोले मेरा मालिक 7 बजे आएगा। पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ कंप्लेंट डाले, कंप्लेंट डालने के बाद में पुलिस वाले ने बढ़िया कंप्लेंट लिए, मान सम्मान के साथ में बैठा ले। उसके बाद में अभी मैं कोर्ट का दरवाजा खटकाने के चक्कर में हूँ और मेरे को कोर्ट से न्याय मिले ऐसी मेरी वाली इच्छा। सलून चे मालक सुनील लक्षणे यांच्या सोबत किरण यांची शाब्दिक चकमक उडाली। तू न विचारता माझी मिशी का कापलीस असा सवाल ठाकूर यांनी लक्षणे यांना केला। त्यावर तुला जे करायचं ते कर असं उत्तर लक्षणे यांनी त्याला दिलं असा आरोप किरण यांनी केला। मात्र किरण ठाकूर यांचे हे आरोप केशकर्तनालयाच्या मालकानं फेटाळून लावले। कंटिन्यू कस्टमर है मेरे दुकान में, कंटिन्यू आते जाते रहता, हंसी मजाक करते रहता, कभी मूछ रखता कभी नहीं रखता। मेरे पास तो उसके बड़े बड़े राजनेताओं के साथ कई बैनर है जिसपे उसकी बगैर मूछ की फोटो है। तो हमारे समाज के जो रेट बड़े हैं वो रेट से भी उसको तकलीफ है, तो डेली कहते रहता कि तुमको ऐसा करना है वैसा करना है। मैंने सब चीज़ों को माइंड नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। और 2 बार घर में सेविंग करने के बाद उसकी कुछ मुझ दोनों तरफ से कम ज़्यादा थी उसी के हाथ से। वो दुकान में सेट करने आया तो कारागिर ने करके दी। मैं तबीयत खराब रहने के कारण शॉप में नहीं था, तो सेटिंग बराबर हुई नहीं इसलिए उसने पूरी निकालने के लिए लगा। खुद की मर्जी से पूरी काटा और 2 घंटे के बाद दारू वारू पी के आया और दुकान पर गाली गलौज कर रहा था। मैं बोला चलो गलती हुई क्या होगा, उसने वो कंप्लेन वगैरह कर ली। या तक्रारीवर कनान पोलीस देखील संभ्रमात पडले असून त्यांनी सलून चालकाच्या विरोधात अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद केली आहे। कनानच्या पोलीस ठाण्यामध्ये अशा प्रकारची ही पहिलीच तक्रार आहे। मात्र आता तक्रार आल्यानंतर कारवाई तर करायलाच हवी। किरण ठाकूरने अपना कारीगर के मालक को फोन किया कि भैया तो आपके नौकर ने मेरी मूछ कैसे का काट दी। इस पर जो गैरदार है यानी उसका नाम है सुनील लक्षण ने, उसने फ़ोन पर उनको धमकी दिया कि भैया तुम्हारी मूछ है तो तुमने बोले थे इसलिए उसने उसको यानी काट दिया। तो इस पर से हमारे पुलिस स्टेशन में NC प्रकरण दाखिल हुआ है और उसमें उसने उसको फ़ोन पे धमकी दी है, तो उसके ऊपर से 507 ये कलम IPC दाखिल हुई है और ये NC प्रकरण मेरे पास यानी मैं वीरेंद्र सिंह चौधरी
मेरे पास आने के कारण मैंने उस पर गैरदार सुनील लक्षणे पर मैंने एक उसके ऊपर प्रतिबंधक कार्रवाई की है और आज उसे पार्सोनी कोर्ट के लिए जाने की समझ दी है मैंने और उसे 149 का नोटिस मैंने तामील किया। इज्जत और मर्दानगी का सवाल असलेल्या याच विषयावर एका सलून वाल्याने वस्तारा चालवला आणि गहजब उडाला। प्रकरण पोलिसात गेलं। एकूणच सध्या नागपुरात हा मिशीवाद चांगला चर्चेचा विषय बनतो। जितेंद्र शिंगाडे, नागपूर, AM न्यूज। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, कमेंट आणि शेअर करा, सबस्क्राइब करा आमचं चॅनल आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, तसंच डाउनलोड करा आमचं ॲप आणि भेट द्या आमच्या वेबसाईटला www.amnews.live वर।